सुप्रभात। आज के पठन पाठन का विषय है शब्द विचार, अर्थात आपके पाठ्यक्रम का दूसरा पाठ है शब्द विचार, जिसे समझने के लिए हमें एक बार फिर से भाषा के बारे में जानना होगा। जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि मन के भावों को प्रकट करने और जानने के साधन को ही भाषा कहते हैं, और किसी भी भाषा को जानने के लिए हमें उसके व्याकरण को शुद्ध रूप से जानना होगा कि अर्थात व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप को जान सकते हैं। व्याकरण का स्वरूप अत्यंत विस्तृत है। मुख्यतः व्याकरण के अध्ययन के तीन क्षेत्र हैं, पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। सर्वप्रथम हम वर्ण विचार पर विचार करेंगे। वर्ण विचार उसे कहते हैं जो जिसमें वर्णों के वर्गीकरण, उच्चारण और उनके बनावट के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की रचना आदि का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्यों के स्वरूप, भेद, प्रयोग, रचना आदि का अध्ययन किया जाता है। अब शब्द और वाक्य के बीच में है पद। पद उसे कहते हैं जब वह वाक्य का अंग बन जाता है, अर्थात व्याकरणिक नियमों से जब आपस में एक दूसरे से संबंधित हो जाता है तो वह पद कहलाता है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्द वर्णों के समूह से बनता है। वर्णों के जिस समूह का कुछ अर्थ निकलता है उसे शब्द कहते हैं। अब हम आज के विषय शब्द विचार पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि भाषा की स्वतंत्र सार्थक इकाई शब्द है। शब्द वर्णों के समूह से बनता है। वर्णों के जिस समूह का कुछ अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं, जैसे आम, लड़की आदि। भाषा की दृष्टि से जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता उसे शब्द नहीं कहते हैं, जैसे ताजू जूता का उल्टा है जिसका कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह से नीपा पानी का उल्टा है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अब शब्द और पद में अंतर। प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शब्द हमेशा स्वतंत्र होता है। उसका किसी भी एक शब्द का दूसरे शब्द से कोई संबंध नहीं होता, जैसे कि चिड़िया, उड़, आकाश। अब इसको अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं व्याकरण के नियमों से पर सर्कों के आधार पर, तो ये पद बन जाता है, जैसे कि चिड़िया आकाश में उड़ती है। इसकी परिभाषा इस तरह से होगी कि जब उसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं और वह एक व्यवस्थित रूप बन जाता है जो सब वाक्य में उपस्थित सारे शब्दों का जब एक दूसरे से संबंध स्थापित हो जाता है तब वह स्वतंत्र नहीं रहता। ऐसी अवस्था में वह शब्द पद बन जाता है, जिसकी चर्चा पिछली कक्षा में ही की जा चुकी थी। उसी क्रम में आज शब्दों के वर्गीकरण के आधार के बारे में भी जाना गया था, परंतु उसे भी आज फिर से दोहराना पड़ेगा। मैं एक बार पुनः उसकी पुनरावृत्ति करती हूँ कि शब्दों के वर्गीकरण के चार आधार हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। आज मैं अर्थ के आधार पर जो भेद होते हैं, शब्द के जो भेद होते हैं, उन्हें बताना चाहूँगी। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। इसके पूर्व भी बताया जा चुका है कि शब्द के दो मतलब सार्थक शब्द ही किसी भी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, तो इस दृष्टि से अर्थ के दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक।
सार्थक वे शब्द हैं जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकले। इन्हीं सार्थक शब्दों को हम पांच वर्ग में बांटते हैं। पहला है पर्यायवाची, दूसरा है विलोम, तीसरा अनेकार्थी, चौथा श्रुति संबंधार्थक और पांचवा है वाक्यांश के लिए एक शब्द। पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे अनिल, हवा, वायु और आकाश। इन शब्दों के अर्थ एक समान है, अतः यह पर्यायवाची शब्द हैं। दूसरा है विलोम शब्द। विलोम शब्द एक दूसरे आपस में एक दूसरे के विपरीत प्रकट अर्थ प्रकट करते हैं। ऐसे शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, जैसे उठो, बैठो, आगे, पीछे, पाप, पुण्य। ये सारे शब्द एक दूसरे से विपरीत अर्थ बतलाते हैं, अतः यह विलोम शब्द है। अनेकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनके एक से ज़्यादा अर्थ हों उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे भाग शब्द है जिसका अर्थ है दौड़ना, हिस्सा, हक, भाग्य, विभाजन आदि। अतः भाग अनेकार्थी शब्द हुआ। अगला है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के स्थान पर आने वाले एक शब्द को वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं, जैसे ईश्वर को मानने वाले को आस्तिक कहते हैं, ईश्वर के को न मानने वाले को नास्तिक कहते हैं। काम से जी चुराने वाला काम चोर होता है। अब हम ये समझ सकते हैं कि आस्तिक, नास्तिक और कामचोर ये सारे वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त किए गए शब्द हैं। अब शब्द का अंतिम भेद है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो देखने में तो एक जैसे लगते हैं परंतु अर्थ भिन्न भिन्न होता है, इसे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इसका एक और नाम है समश्रुति भिन्नार्थक। अब हम इसके कुछ उदाहरण देते हैं जिससे ये शब्द स्पष्ट हो जाएंगे, जैसे कि थल। थल का अर्थ है भूमि, थाल जिसका अर्थ है बड़ी थाली। इसी प्रकार क पे छोटी की मात्रा, र पे छोटी की मात्रा, गिरी का अर्थ है पहाड़ और ग पे छोटी की मात्रा, र पे बड़ी की मात्रा का अर्थ गिर जाना। इसी प्रकार से कुल और कूल, क पे छोटा उ और ल, कुल का अर्थ होता है संपूर्ण या वंश और क पे बड़ा उ और ल इसका अर्थ होता है तट, किसी नदी नदी का किनारा। अब हम इन पांचों प्रकारों के कुछ कुछ उदाहरण देंगे। जैसे पहला शब्द है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द में अंबर शब्द का आकाश, गगन और नभ, अमृत शब्द का सुधा, पीयूष और सोम, अग्नि, आग, पावक और अनल, ईश्वर, भगवान ईश्वर और परमात्मा, कमल, पंकज, जलज, सरोज, कान, कर्ण, श्रुति, श्रवण, कोमल, मुलायम, नरम, मृदु, गाय का होगा गौ, धेनु और सुरभि, चतुर का होगा दक्ष, कुशल और प्रवीण, जल का होगा पानी, नीर और सलिल। अब आपको पर्यायवाची शब्द स्पष्ट हो गया होगा। दूसरा प्रकार है विलोम शब्द। विलोम शब्द में एक दूसरे से उल्टे अर्थ वाले शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसा कि उदाहरण द्वारा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे दानी को कंजूस कहें, उल्टा होगा दानी का कंजूस, सूखा का गीला, कम का अधिक, सच्ची का झूठी, चेतन का अचेतन, भरा का खाली, पराधीन का स्वाधीन, हार का जीत और मामूली का खास, सार का असार, प्रकाश का अंधकार, बुराई का भलाई आदि। इस प्रकार अब तीसरा शब्द है अनेकार्थी। ऐसे शब्द जिनके एक से ज़्यादा अर्थ हो वे अनेकार्थी कहलाते हैं। जैसे आपको उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करती हूँ, आप जैसे अक्षर शब्द है, इसका तीन अर्थ होगा, एक ईश्वर, दूसरा वर्ण, तीसरा अनाशवान। पृष्ठ, पृष्ठ का भी एक से ज़्यादा अर्थ है पीठ,
दूसरा है पीछे, तीसरा है पन्ना। दर्शन, देखना, नेत्र, आकृति और दर्शन शास्त्र। गुरु का भी एक से ज़्यादा अर्थ है, श्रेष्ठ, भारी, बड़ा, अध्यापक। हार, हार शब्द का भी एक से ज़्यादा अर्थ है, माला। दूसरा अर्थ है पराजय। तीसरा अर्थ है पशुओं को रखने का स्थान। गति, गति का भी तीन अर्थ है, जैसे कि चाल, मुक्ति और हालत। हर, हर शब्द का अर्थ है शिव, हरण करना, दूर करना। पत्र, पत्र का दो अर्थ है, चिट्ठी या किसी भी वृक्ष का पत्ता। श्री, श्री का भी कई अर्थ है, जैसे पहला एक अर्थ है लक्ष्मी, दूसरा अर्थ है संपत्ति, तीसरा अर्थ है शोभा। अब हम आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द का उदाहरण देते हैं, जहाँ अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द आता है, ऐसे शब्द को वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। अब जैसे है पहला, जिसमें कम बल हो, ऐसे व्यक्ति को दुर्बल कहते हैं। किसी चीज़ की कमी अगर हो तो ऐसे के लिए हमें अभाव शब्द का प्रयोग करना होता है। सप्ताह में एक बार कोई कार्य होता है तो उसके लिए हम एक शब्द में साप्ताहिक कहते हैं। विधि के अनुसार, विधि के अनुसार को एक शब्द में कहा जाता है, यथा विधि। मास में एक बार होने वाले चीज़ को बोलते हैं मासिक। अब बिना सोचे किया गया विश्वास अंधविश्वास कहलाता है। इसी प्रकार वेदों से संबंधित कोई कार्य हो तो उसे वैदिक कहते हैं। कि ना जिसका कोई उद्देश्य न हो, इसके लिए हम निरुद्देश्य शब्द का प्रयोग करते हैं। 100 वर्ष की आयु वाले को शतायु कहते हैं। मतदान करने वाले को मतदाता कहते हैं। जिसका कोई आधार न हो उसे निराधार कहा जाता है। इसके बाद अगला है एक जैसा समश्रुति भिन्नार्थक, श्रुति सम भिन्नार्थक या समरूपी भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनको देखने से तो जो देखने से तो एक जैसे लगे, परंतु अर्थ के आधार पर उनमें भिन्नता पाई जाती है, ऐसे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक होते हैं। जैसे आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करवाना चाहूँगी। जैसे अवधि, अवधि में जब छ द पे छोटी की मात्रा होगी तो उसका अर्थ होगा समय सीमा। और इसी प्रकार अवधि अगर लिखा जाए ध पे बड़ी की मात्रा हो तो इसका अर्थ है एक भाषा। इसी प्रकार आदि, आदि में जब द में छोटी की मात्रा होती है तो इसका अर्थ होगा आरंभ। आदि द में बड़ी की मात्रा होने पर इसका अर्थ होगा अभ्यस्त। इसके बाद ज्वर, ज्वर मने बुखार और ज्वार मने किसी कोई अनाज का नाम है ज्वार। गात, गात का अर्थ है शरीर और ज्ञात, ज्ञात का अर्थ है मालूम। फिर जरा, जरा शब्द का अर्थ है थोड़ा और जरा जरा अर्थ फिर जरा का अर्थ है थोड़ा। ज के नीचे जब नुक्ता लगेगा तो उसका अर्थ होगा थोड़ा और जरा जब बिना नुक्ता का जरा लिखा जाएगा तो उसका अर्थ होगा बुढ़ापा। दिव्य, दिव्य का अर्थ है अलौकिक और दिव्या का अर्थ है पेड़ या आंवला। फिर नव, नव का अर्थ है नया और नाव का अर्थ है नौका। पवन का अर्थ है हवा और पावन का अर्थ है पवित्र। इस प्रकार प्रहर और प्रहार, जब समय को का विभाजन करते हैं, तीन तीन घंटे का जब अलग विभाजन होता है तो उसे प्रहर कहते हैं। और प्रहार जिसको कभी किसी को चोट किया जाए तो वह है प्रहार। फिर तथा और तदा, तथा का अर्थ है और तदा का अर्थ है तब। इस प्रकार आशा है कि इन शब्दों के उदाहरण के माध्यम से आपको शब्द के जो मुख्य 5 भेद हैं अर्थ के आधार पर वे स्पष्ट हो गए होंगे। धन्यवाद।